हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीट्यूब फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम हुई भयानक रेल दुर्घटना में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये दुर्घटना तब हुई जब शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। पटरी से उतरे डिब्बों ने आने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इसके बाद पीछे से आ रही मालगाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई। इसके बाद जिसने भी ये खौफनाक मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। इस हादसे में जिंदा बचे एक यात्री ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि हम कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगी नंबर S5 में थे और जिस समय हादसा हुआ उस समय मैं सोया हुआ था। भगवान के आशीर्वाद से मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन मेरे आसपास का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। हादसे के बाद मैंने देखा कि किसी यात्री का सर तो किसी का हाथ तो किसी का पैर नहीं था, यहाँ तक कि कई यात्रियों के सर पूरे तरीके से चपटे हो गए थे। दोस्तों, ओडिशा में हादसे का शिकार हुई 3 रेलगाड़ियों से लोगों को निकालने और बचाने का अभियान जारी है। NDRF और SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। कुछ शव काफी ज्यादा शत प्रतिशत हो गए हैं, ऐसे में उनकी पहचान करने में मुश्किलें आ रही हैं। घटना के बाद NDRF के साथ भारतीय सेना भी घटना स्थल पर पहुंच गई है। बोगियों के नीचे खोज अभियान पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि वहां अगर कोई फंसा हो तो उसे निकाला जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन के डिब्बों को कटर से काट कर लोगों के शवों को निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि हादसे वाली जगह पर NDRF की 7, ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 5, फायर ब्रिगेड की 24 टीमों के साथ साथ स्थानीय पुलिस और अन्य वॉलंटियर लगातार काम कर रहे हैं। घटनास्थल का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी पहुंचे। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहली प्राथमिकता हादसे का शिकार हुए लोगों को बचाने की है। इसी के चलते NDRF और अन्य रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में लगी हुई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि घायलों के उपचार की कोशिश जारी है, साथ ही इस भयानक हादसे की जांच हाई लेवल कमेटी करेगी। आखिर किस कारण ये हादसा हुआ ये पता लगाया जाएगा। फिलहाल फोकस अभी रेस्क्यू पर है। हादसा कैसे हुआ इस बारे में तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगा। ज्यादा जानकारी देते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह रेल हादसा 2 जून शाम करीब 7:20 पर हुआ। यह हादसा 2 नहीं बल्कि 3 ट्रेनों के बीच हुआ है। भनागा स्टेशन के पास 2 सवारी गाड़ी और 1 माल गाड़ी में टक्कर हुई है। सबसे पहले बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई और कई कोच पटरियों पर और आसपास पलट गए थे। दूसरी पटरी पर आई शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकराई और उसके भी कई डिब्बे पलट गए। इसी दौरान तीसरे ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी भी चपेट में आ गई और वह भी दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में मरने वाले और घायलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अलग अलग मुआवजों का ऐलान किया है। पीएम ने मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल होने वालों को 2-2 लाख रुपए और मामूली घायल होने वालों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की है। दोस्तों, ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने इन हादसे के बाद अपने कई कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वह भुवनेश्वर में बनाए गए कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी कर रहे हैं। रेलवे ने यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं हावड़ा 033-2638-2217, खड़गपुर 89720-73925 और 933-239-2339, बालासोर 824-959-1559 और 797-8418-322, शालीमार कोलकाता 9933-707-46, रेल मदद 044-253-54771 है। इसके अलावा चेन्नई में कंट्रोल ऑफिस और स्पेशल बूथ खोला गया है।
वहाँ हेल्पलाइन नंबर है 0442533 0952 और 0442533 0953 और 0442534771 पर संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप इस हादसे के बारे में क्या सोचते हैं? आपके अनुसार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या आपको लगता है कि ये भयानक रेल हादसा रेलवे की लापरवाही के कारण हुआ है? आप इस हादसे के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और ऐसे ही तमाम अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल वीट्यूब फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।